जय जीवदानी यूट्यूब स्लैश कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज आपको सिखाने जा रही हूँ लहसुन का इंस्टेंट अचार। ये लहसुन ले लिया छिला हुआ, धो के इसको सुखा लिया था मैंने और अब इसकी विधि बताऊंगी जैसे फटाफट अचार बन जाए। घर में कोई आने वाला है, अचार नहीं घर में, तो ये अचार आप फटाफट परोस सकते हैं। इसका अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी आग पर। चलिए चलते हैं कढ़ाई की ओर। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें मैं ऑयल ले रही हूँ, कड़वा तेल ले रही हूँ। आपने देखा एक कटोरा भर के मेरे पास लहसुन था और मैंने यहाँ पर एक कटोरी ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, ज़्यादा ऑयल लेंगे तो क्या होगा, वो बाहर छूटेगा, बड़ी देर तक रहेगा। वैसे उस ऑयल को आप किसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कम ऑयल लिया है। और उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँ, मैं गैस जला लूँ। वैसे मेरी कढ़ाई गर्म थी और फिर से दोबारा गैस जो है जला दिया मैंने और इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख दूँ। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, देखिए थोड़ा ही गर्म करना है इसे। और इसकी जो कड़वाहट होती है ना कड़वे तेल की, वो निकालने के लिए, इसका जो झार लगता है ना आँखों में, वो निकालने के लिए। वैसे आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं और कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कड़वा तेल ही लेना है या आपको मीठा तेल लेना है, जैसा ठीक लगे। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है और इसमें मैं अब यहाँ पर सब चीज़ हाथ से डालूंगी क्योंकि मुझे हाथ से डालने की बहुत आदत है। देखिए पहले खाली अचार के लिए मैं थोड़ा सा हींग इसमें डालूंगी, तो हींग पड़ गया। अब मैं गैस को कम कर दूं क्योंकि मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया है। हींग पड़ने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये थोड़ी सी मेथी दाने, तो बहुत ही थोड़े से मेथी दाने लूँगी मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा लहसुन भी कम है और खाली मुझे इसकी जो है लहसुन की जो मिकदार होती है, गैस प्रकृति तो ख़त्म करता है लहसुन, लेकिन मैं ये मेथी दाने इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि और भी ये इसके गुण ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसके अंदर डायरेक्टली मैं लहसुन डालने से पहले ऐड कर दूंगी सौंफ। तो सौंफ को एक मुट्ठी सौंफ ले लीजिए आप फिलहाल के लिए। तो ये एक मुट्ठी सौंफ मैंने यहाँ झाड़ कर दिया, मतलब तड़का लगा दिया उसका, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए, मुझे थोड़ा कम लग रही है सौंफ। और ये एक मुट्ठी सौंफ और मैंने डाल दिया है। अब मैं तुरंत से इसमें लहसुन को डाल दूंगी। तो ये लहसुन चला तेल में, देखिए मुझे तो सौंधी सौंधी खुशबू सौंफ की आना शुरू हो गई है। और जब तक सौंफ की खुशबू ना आए ना तब तक लहसुन डालने का मज़ा नहीं है, तो जलना भी नहीं चाहिए ना इसे, इसलिए इसको चला भी दिया मैंने। अब आपको चेक करना है कि तेल कम है कि ज़्यादा, सबसे पहले तो दूध जाना चाहिए। और मेरे पास थोड़ा सा और लहसुन बचा था तो मैंने सारा ही लहसुन ले लिया। मैंने कहा बचाना क्यों, क्योंकि जब बन रहा है, सर्दियाँ हैं और लहसुन जो है वो पाचन क्रिया में हार्ट के लिए, वेंस के लिए, ब्लड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो लहसुन ज़रूर खाया कीजिए सर्दियों में। अच्छा, ज़्यादा लहसुन खाएंगे ना तो एसिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए जो जिन लोगों को बहुत एसिडिक प्रवृत्ति हो ना उनको लहसुन कम खाना चाहिए। फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, लहसुन को थोड़ा सा पकाऊंगी। अब आप कहेंगे क्यों पका रही हैं आप लहसुन को, उसका कारण है, कारण ये है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, इसके अंदर जो पानी होता है, तो पानी को निकाल देना अच्छे से। अभी साइड में देखे लग गई है सौंफ, सौंफ को भी निकाल देना अच्छे से और मॉइस्चर को ख़त्म करेंगे तो ये टिकेगा। थोड़ा तेज चूल्हे पे इसको मॉइस्चर को ख़त्म करते हैं लहसुन के अंदर के। तो लीजिए ये लहसुन अब जो है थोड़ा सा हल्का सुनहरा हो गया, इसका मॉइस्चर लगभग ख़त्म हो गया है। आप उसको गैस कर सकते हैं कि उसकी जो तेल की ऊपर चिड़चिड़ आ रही थी आवाज़, वो बंद हो गई है, कम हो गई है, इसका मतलब कि मॉइस्चर काफ़ी ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पीली राई खटास के लिए। तो ये मुट्ठी भर राई मैंने ले ली है यहाँ पर खटास के लिए और थोड़ा सा चला दूँ मैं इसको। तो मुझे ये पीली राई थोड़ी सी हल्की कम लगी, अचार में चीज़ें ज़्यादा पड़ जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता, तो थोड़ी मैंने डाल दी और पीली राई यहाँ पर, ताकि इसमें ये खटास उसकी बराबर बनी रहे।
तो अब बारी आती है मसालों की। तो यहाँ पर मैं ये हल्दी इसमें ऐड करूँगी। याद रखें बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, लेकिन ये पाव चम्मच हल्दी इसमें डाल दी है मैंने। और अब इसमें ऐड करूँगी मिर्ची, थोड़ा सा तीखा रहे अचार तो अच्छा लगता है, उसकी शक्ल भी अच्छी लगती है। थोड़ा सा तेज़ी बनाए लेकिन इतना नहीं कि सीसी करते रहे मुँह में। और ये मैंने ऐड कर दी है लाल मिर्च जो कि साइड में लग गई मुझसे, चलिए इसको बीच में ले लूँ मैं। साइड में लगी हुई मिर्च मुझसे जल जाती इसलिए मैंने इसको बीच में ले लिया। तो मुझे थोड़ी सी मिर्च अब कम लग रही है तो मैं मिर्च को ऐड करती हूँ, और थोड़ी सी मिर्च इसमें, तो ये मैंने और मिर्च ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ें पड़ गई हैं और इसमें बस स्वादानुसार नमक डालना है। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको नमक डालना है क्योंकि लहसुन जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, इसमें नमक ज़्यादा मत डाल दीजिएगा नहीं तो सारा बनाया हुआ काम खराब हो जाएगा आपका। तो ये मैंने इसको नमक को डाल दिया है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका एक रिचुअल है जो मैं करने जा रही हूँ गैस बंद करके। देखिए ये इंस्टेंट अचार है, अभी मेरे बच्चे इसको खाएंगे और ये खट्टा कम लगेगा, मज़ा नहीं आएगा इसमें, है ना। तो मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला, अगर मैं तेल डालूंगी तो इसमें जो है मिर्च विर्च ऊपर आ जाएगी, शक्ल अच्छी हो जाएगी। बट मुझे शक्ल यहाँ पर उसकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है इसके टेस्ट की। तो इसका टेस्ट ठीक करने के लिए अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आमचूरा, और ये थोड़ा सा आमचूरा डाल दिया ताकि इसमें जो है टेस्टी टेस्टी आता रहे स्वाद और ये टिका रहे। और इसलिए ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड की है। हींग ऐड करने से अचार जो है ये कभी भी ख़राब नहीं होता, तो अच्छे से मिलाइएगा उसको, है ना, मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कहेंगे कामनी जी आप क्या कर रही हैं, मैं सही कर रही हूँ, आप देखिएगा कि इसका टेस्ट आप घर में बनाइएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा है, मैं डालती हूँ। और ये एक चम्मच चीनी इसमें मैंने ऐड कर दी, बस। तो अब बन चुका है मेरा ये लहसुन का अचार। इसकी चीनी का मॉइस्चर भी मुझे ख़त्म करना है और इसमें हल्का सा तेल और ऐड करना है। जैसे ही मैं इसमें तेल और ऐड करूँगी पर तक उसको थोड़ा सा गर्म करके चार से पाँच चम्मच तेल मैंने इसमें और ऐड कर दिया। और अब देखते हैं, बस बन चुका है ये अचार। कितनी देर में इसको बंद करना है, आगे कैसे परोसना है बताते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा लहसुन का अचार। पहले इसको ठंडा करेंगे फिर इसको बर्नी में डालेंगे, है ना। तो गैस को बंद कर दिया मैंने, फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर तक हिलाती रहूँगी। देखिए गैस बंद करने के बाद भी थोड़ी देर सब्जी हो या जो भी आप पका रही हो उसको हिलाते रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। कैसी लगी मेरी रेसिपी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स आपके ज़रूर भेजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल। ये अचार अगर बनाने के बाद आपको मज़ा आ जाए ज़िंदगी का तो भी मुझे बताइएगा। याद रखें इसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ और सब्जियां डालनी हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। फिलहाल मैंने लहसुन का अचार बनाया। तो लीजिए तैयार है हमारा लहसुन का इंस्टेंट अचार। इसे आप रोटी के साथ खाना है, ब्रेड पे लगा के खाना है, या इसे दाल चावल सब्जी के साथ खाना है, या इसे वैसे कहीं भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अगर मेहमान आने वाले हैं आपके पास अचार नहीं है तो आप ये इंस्टेंट अचार बना सकते हैं। बहुत ही चटपटा टेस्टी ज़्यादा चाहिए तो इसमें खूब सारा आमचूर, खूब सारी राई पीली और खूब सारी चीनी डाल दीजिए। मैंने सब मिकदार ऐसे डाली है कि ये बराबर टेस्ट रहे और बहुत टेस्टी बना है। फिर मिलूंगी कमाना खाना से इसी तरह कोई अन्य डिश लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को।